Students, today our topic is malaria in pregnancy. So, आज हम देखते हैं malaria जो कैसे affect करता है pregnancy को. तो malaria एक protozoan infection है जो plasmodium parasite से फैलता है. यह plasmodium parasite की वजह से malaria होता है. या जो plasmodium की जो four species है उनमें से किसी एक की वजह से malaria हो सकता है. तो कौन कौन से species होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ऑस्पेरो. तो इन फोर स्पेसीज में से किसी एक से मलेरिया हो होता है. तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए जो पेरिफेरल ब्लड स्मेल की जो फिल्म तैयार की जाती है, तो जो थिक और थिन दो लेयर तैयार की जाती है, जो उसमें थिक लेयर में जो जो पैरासाइट है वो सीन होता है हमें, और जो थिन लेयर है उसमें जो पैरासाइट के कौन सी स्पेसीज है वो सीन होती है. और दूसरा अपन जो ये पेरिफेरल ब्लड से भी अपन जो स्मेल तैयार कर सकते हैं. और दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कोल्ड ब्लड है, अनलाइक कोल्ड का ब्लड है या फिर प्लेसेंटल ब्लड है, तो उससे भी हम जो फिल्म है स्मेल तैयार कर सकते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स इसमें फीवर, राइगर एंड चेल्स होगा, हेडेक होगा, मलेरिया होगा या फिर एनीमिया, एनीमिया भी हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि इसमें लीवर इफेक्ट होता है. और इसके साथ साथ पेट्रोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो पैरासाइट है वो इन्फेक्शन कोज करता है और लीवर पे स्प्लीन पे इफेक्ट डालता है. और उसके बाद जो इंट्राफेनस न्यूबलाइसिस इसमें देखने को मिलता है, जो आरबीसी का रिस्ट्रिक्शन, जो पैरासाइट है वो आरबीसी का रिस्ट्रिक्शन करता है, इस वजह से जो न्यूबलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है. और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी इसमें होता है. और उसके बाद में क्या देखते हैं, जो मलेरिया है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है या फिर डेंजरस कंडीशन भी होती है. या तो मेनली अगर इसमें फास्ट फेलो मलेरिया वो ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि वो एक तो ब्लैक वाटर फीवर कोज कर सकता है या फिर रिनल फेलियर हो सकता है या फिर फ्लैट या कोमा में जा सकते हैं पेशेंट. ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है कि जो इसमें जो मलेरिया पैरासाइट है वो आरबीसी का रिस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाता है और ब्लड वेसल्स से वो यूरिन में भी पास आउट होता है. तो ये सब मतलब जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके. अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले मेटरनल कॉम्प्लिकेशन, मेटरनल में क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं. ये मेटरनल में पाइरेक्सिया होगा, एक परस्पिरेशन होगा, पसीने आएंगे उसको, और पेलर की कंडीशन भी हो सकती है, उनको पेल दिखाई देगी तुम्हें, क्यों? क्योंकि उसमें हिमोलाइसिस एनीमिया हो रहा है, क्योंकि आगे से रिस्ट्रिक्शन कर रहा है पैरासाइट, तो हिमोलाइटिक एनीमिया होता है. और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी होगी साथ में, और हाइपोग्लाइसीमिया भी इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो जो पैरासाइट है वो ग्लूकोज का एक्स्ट्रा कंजम्पशन करता है अपने वायबल के लिए. और दूसरा कॉज है हाइपोग्लाइसीमिया का, जो एंटी मलेरिया ड्रग्स होती हैं क्लोरोक्विन वगैरह, वो क्या करती है कि जो इंसुलिन का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज कर देती है, इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है वो. और जो ग्लूकोजेनेसिस है उसको भी डिक्रीज कर देती है, इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है. जॉन्डिस भी हो सकता है, हिमोलाइसिस हो रहा है और लीवर
कैरेक्टर हो सकती है, फीटस में कैरेक्टर हो सकते हैं, उनमें अबॉर्शन हो सकता है और फीटर डिलीवरी हो सकती है या फिर फीटर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है लो बर्थ वेट पर भी, और फीटर एनीमिया हो सकता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ये सब क्यों होंगी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो पैरासाइट है और जो मैक्रोफेजेस है वो दोनों जो इंट्राविनस स्पेस है वहाँ जाके वहाँ पे पैकिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है वो मैटरनल ब्लड से जो इंट्राविनस स्पेस है उसमें नहीं आ पाता प्रॉपरली, और उसकी वजह से क्या होगा प्लेसेंटा ब्लड फ्लो है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो भी लीकेज हो जाएगा, तो उस वजह से ये सब फीटल में कॉम्प्लिकेशन होती है, तो फीटल की डेथ इम्पेयरमेंट होना ये सब देखने को मिलती है। इसके बाद मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा इसका, कि डायग्नोसिस होने के बाद में तुरंत इसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है प्रेगनेंट वूमेन के लिए, और जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, और एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ होती है, और ड्रग ऑफ चॉइस की मेनली क्लोरोक्विन होती है, तो क्लोरोक्विन देते हैं प्रेगनेंट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्लोरोक्विन टैबलेट देते हैं, कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको उसको ट्रीट करें।
एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोटेक्ट क्लोथ पहन सकती है वो। तो इसके अलावा प्रोफाइलेसिस मेडिसिन उसको दी जाती है, तो क्लोरोक्विन दी जाती है इसको, फिर रेड एम जी वन डोज दी जाती है इसको, इंजेक्शन वन से वीक दी जाती है इसको, मतलब इनफेक्शन में अगर कोई जहाँ पे वो ट्रेवल कर लिया जहाँ पे जो एंडेमिक एरिया है वहाँ पे ट्रेवल कर लिया है, फिर उसको मतलब ऐसी रिस्क में वो जा रही है जहाँ पर उसको मलेरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव क्लोरोक्विन दे सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा मलेरिया की प्रेगनेंसी, तो इसके हमने देखिए आज डायग्नोसिस की।